सो है व्हाट्सअप पीपल, कैसे यार आप सभी लोग। आई एम श्योर आप सब बढ़िया रहोगे। तो यार देखो, आज मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो हमारा क्लैन है वो लेवल 8 हो चुका है। अब यार जब क्लैन मैंने स्टार्ट करा था ना भाई, लेवल 1 का था, तब मैंने अपने 5 अकाउंट से अकेले ही वॉर खेलना स्टार्ट किया था, जो कि मैं अपने क्लैन में लौता बंदा था। इवन मेरे सारे फ्रेंड्स ने क्लैश ऑफ क्लैंस छोड़ दिया था। अब यार देखो, हमारा क्लैन लेवल 8 हुआ कैसे भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अब यार आप लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। फिलहाल के लिए यहाँ पर ये वाला वॉर है, जिसकी वजह से हमारा जो क्लैन लेवल है वो 8 हो गया। एंड लिटरली भाई ये वाला वॉर है ना, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि यार पहले तो हमारा जो क्लैन है वो लेवल 8 हो चुका है, और उससे ज़्यादा भाई मैं हाइब्रिड सीख गया हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है फिलहाल के लिए। बट हाँ, मुझे हाइब्रिड आ गई। और यार मैं सही बताऊँ, जो मेरा बेस है भाई, उस वाले बेस को अभी तक किसी ने भी 3 स्टार नहीं करा है वॉर में। आप लास्ट वाली वॉर देख सकते हो, यहाँ पर 2 स्टार किया था 70% अराउंड, एंड अभी जो करंट वॉर थी उसमें सिर्फ 51% किया भाई। और यार सही बताओ ना, सच्ची में यार ये वाला बेस इंटरनेशनली भी खेल चुका गया है, एंड यार बहुत ज़्यादा पावरफुल है। खैर छोड़ो, ये वाला वो बेस है जिसपे मैंने 3 स्टार किया। अब आप सोच रहे हो कि मैंने टाउनल 10 पर से इस पर कैसे 3 स्टार किया। ना 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 भाई रुको, तो ये वाला वो अकाउंट है जिससे कि मैंने उस वाले बेस को 3 स्टार करा था। आप सही बताओ यार, मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया था, मैं लाइव रिकॉर्ड भी करने वाला था, पर हाँ एक परेशानी है भाई, जब भी रिकॉर्डिंग चालू कर दो भाई बहुत गंदा रिकॉर्ड होता है। मैं मतलब क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, मेरे अटैक्स की बात कर रहा हूँ। जब भी रिकॉर्डिंग चालू किया तो वो अटैक फेल होना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करेंगे, चुपचाप अटैक करते, जो होगा बाद में आपको मैं रिव्यू दे दूंगा। खैर छोड़ो, यहाँ पे डोनेशन वगैरह कर देते लोगों को, एंड थैंक यू सो मच जो भी क्लैन में नए नए ज्वाइन हुए। अगर आप भी चाहते हो ज्वाइन होना, मेरे ख्याल से अभी ज्वाइन मत हो, बिकॉज मैंने CWL स्टार्ट कर दिया है। CWL के बाद अगर आप मिलना आना चाहते हो तो आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में क्लैन टैग दे दिया रहेगा। तो हाँ, हम लोग देखते हैं अपने वॉर अटैक्स में, बताऊंगा आपको कि मैंने कैसे इस वाले बेस को 3 स्टार किया, ठीक है। तो ये रहा वो बेस। अब यार सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, एंड मैं आपको लाइव बताऊंगा कि मैंने कैसे प्लानिंग करा था। तो सबसे पहले यहाँ पे पिंक कलर लेंगे क्वीन के लिए, ठीक है, पिंकी पिंकी। अब यार देखो, क्वीन से मेरा 2 से 3 काम था। सबसे पहले जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट है वो क्लियर करना है, ये आर्चर टावर, ईगल आर्टिलरी और CC, और ये जो 2 एक्सबो है वो भी, और जितना ज्यादा वैल्यू मिल सके उतना, ठीक है। यहाँ पे 2 सुपर बॉम्बर्स लिए थे, ये 2 वॉल ब्रेक करने के लिए, ताकि जो अपनी क्वीन है वो अंदर जा सके। इतना होने के बाद अपोजिट साइड से अपने को किंग छोड़ना है, जो कि ये वाला पाथ फॉलो करेगा, एंड जो SB है उसका पेक्का एंड विजार्ड नीचे वाला पाथ फॉलो करेंगे। और इसके बाद अपना फाइनल टच जो अपना हाइब्रिड है वो सेंटर में आएगा, हाइब्रिड के साथ वार्डन आएगा, RC आएगी, और इसी के साथ मैप का गुड़ गोबर हो गया। खैर छोड़ो यार, अभी अपन एक्चुअल अटैक पे चलते कि अटैक कैसे हुआ एंड क्या क्या गलती हुई। तो सबसे पहले यहाँ पे 12 o'clock पे अपनी क्वीन आ जाएगी, एंड उसी के साथ सारी की सारी हीलर्स। अब यार देखो, यहाँ पे ही गलती की, मुझे पहले एक बलून ड्रॉप करना चाहिए था, बट लकीली यहाँ पे कोई भी सीकिंग एयरमाइन नहीं था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 बलून ड्रॉप कर लिए, ताकि आगे चल के कोई सीकिंग एयरमाइन हो तो वो ट्रिगर हो जाए। फिर उसके बाद भाई यहाँ पे सुपर बॉम्बर डाल देता, ताकि ये वाली वॉल ब्रेक हो जाए, एंड नीचे की तरफ एक विजार्ड, ताकि अपनी क्वीन नीचे ना घसके। और सक्सेसफुली क्वीन अंदर की तरफ आ जाती है, जैसे ही अंदर आती वैसे अपना दूसरा बॉम्बर भी आ जाएगा, एंड यहाँ पे लड़ाई हो जाती है RC और क्वीन के बीच में। यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा ध्यान CC पे होता है, बिकॉज पॉइजन पे लेकर बैठा रहता। खैर छोड़ो, एबिलिटी यूज हो जाती, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर एक रेज डाल देता हूँ फटाक से, और यार इसी रेज के साथ साथ CC, ईगल आर्टिलरी एंड आजू बाजू के जितने भी वैल्यूज थे सबके सब मिल जाते, एंड वॉल ब्रेकर ने भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया होता है। अब यार देखो, क्वीन से मेरे को जितनी वैल्यू चाहिए थी वो सब की सब मिल गई होती, बट यहाँ पे थोड़ा होल्ड करता हूँ, बिकॉज काफी टाइम बचा था एंड एक रेस पिल बचा था क्वीन के लिए। तो यहाँ पे डाल देते उसे, जो इससे फटाफट अपना काम कर ले, मतलब थोड़ी और वैल्यू निकल जाए। और जैसे ही एनिमी का भुट्टा फूटता है, वैसे ही 9 o'clock से अपना किंग एंड उसी के साथ SB आ जाएगी। पर गाइज यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो जाती है, देखो जो पेक्का होता है वो भी किंग के साथ चलने लगता है, जबकि पेक्का को नीचे की तरफ जाना। तो मैं किंग की फटाक से एबिलिटी मारता हूँ, पर यार पेक्का फिर भी नहीं रुकता। खैर छोड़ो, विजार्ड्स तब तक नीचे आ जाते हैं, एंड अभी ये स्टार्ट होगा अपनी असली अटैक, मेरा मतलब हाइब्रिड मेरी जान। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हॉक डालता हूँ, पता नहीं क्यों सारे के सारे माइनस आएंगे, बुड्ढा आएगा उसके पीछे सारे के सारे हॉक्स आएंगे, अपनी RC भी आएगी, और यार इसी के चक्कर में क्वीन को लुढ़का दिया। खैर छोड़ो, हेड एंड्रेस भी आ गए पीछे से, और हिल स्पेल ध्यान से डालना पड़ेगा। पहला हिल स्पेल यहाँ पर आएगा, एंड जैसे ही टाउन हॉल एक्टिवेट होगा उसके बाद बुड्ढे की एबिलिटी देनी है, नहीं तो मैं बुड्ढे की एबिलिटी पहले देता था और उसके बाद जो टाउन हॉल का बम होता था वो सबकी धजिया उड़ा देता। खैर छोड़ो, यहाँ पे एबिलिटी दे देंगे बुड्ढे की, 1 2 3 गो।
और भाई सही बताओ, जब मैं लाइव अटैक कर रहा था और मैंने ये एबिलिटी दी थी, मैंने बोल दिया भाई ये बेस को अब कोई नहीं बचा सकता, बिकॉज इतने सारे ट्रूप्स बच जाते हैं इसके बाद, एंड इसी के साथ टाउन हॉल भी फूट जाता है। एंड अब भाई बेस में कुछ नहीं बचा, दर्जन में माइनर्स एंड हॉक्स बचे पड़े। सामने की तरफ मल्टी एंड स्कैटर होता है जो कि दिक्कत दे सकता था, तो यहाँ पे जो अपनी आरसी की एबिलिटी है वो दबा देते हैं। और गाइज इसी के साथ ये वाला बेस 3 स्टार हो जाता है। टनल 13 का ये वाला अटैक पसंद आएगा, जरूर से लाइक करना, चैनल पे ना सब्सक्राइब करो, बहुत जल्दी 1700 सब्सक्राइबर होने वाले अपने। खैर छोड़ो यार, अभी आ चुके अपने टनल 10 पे। एंड यार देखो, ये जो अटैक स्ट्रेटेजी वो पहले तो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, बट यार अभी मुझे बिल्कुल भी पावरफुल नहीं लग रही है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, सही बताओ, पहले मेरे को ऐसा लगता था बैट का जो काउंट होता है वो काफी ज्यादा होता है, इसमें बैट स्पेल का बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है, पर यार अभी ऐसे देखा जाए तो बैट का काउंट एकदम जीरो भाई, मतलब किसी काम का नहीं है बैट स्पेल। खैर छोड़ो, यहाँ पे हम लाइव अटैक करेंगे एंड आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइनली काफी तलाशने के बाद यहाँ पे एक मैक्स्ड आउट बेस मिल चुका है, पूरा मैक्स्ड आउट तो नहीं है बट हाँ ऑलमोस्ट मैक्स्ड आउट हो चुका है। अब यार देखो, जो टाउन हॉल 10 की अटैक स्ट्रेटजी होती है वो मोस्टली स्पैम होती है, इसमें ज्यादा नहीं बस हल्का सा दिमाग लगाना पड़ता है। अब यार देखो, यहाँ पे 2 बेबी ड्रैगन हम इसलिए लेते हैं ताकि फनल कर सके, बट यहाँ पे फनल करने का कुछ था ही नहीं, मतलब यहाँ पर सामने की तरफ सिर्फ 4 बिल्डिंग रखी थी एंड यार अपने पेक का उतना क्लियर कर लेंगे आराम से। उसके पीछे से अपने बॉलर्स आ जाएंगे, वॉल ब्रेकर आ जाएंगे, सारी की सारी हीलर्स आ जाएंगी। भाई स्पैम करना, कुछ नहीं करना, ये वाले अटैक स्ट्रेटजी में मेन होता है जो मल्टी इन्फिनो टावर होते हैं या फिर जो अपने विजार्ड टावर्स होते हैं मैक्सिमम निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे पहला रेस पेल आएगा एंड सेकेंड रेस पेल तब आएगा जब अपनी सीसी मतलब सीज मशीन ब्लास्ट होगी। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे एंड अभी रेस पेल डाल देंगे। और गाइस पेक्का बो बैट की जो अटैक स्ट्रेटजी वो आपको मोस्टली ऐसे ही बेसेस पे यूज होगी जो कि थोड़े कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। अगर खुला खुला बेस है तो वहाँ पे ये फेल हो जाएगा मोस्टली। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे विजार्ड टावर डाउन हो चुके हैं, 3 फ्री स्पेल है हमारे पास एंड मेरे ख्याल से और भी जो मैक्सिमम विजार्ड टावर है वो डाउन हो जाएंगे, तो यहाँ से अपना बैटिंग स्टार्ट करेंगे। और गाइज अभी भी बेस में ज़्यादा कुछ बचा नहीं एंड अपने पास काफ़ी सारे ट्रूप्स है, लाइक बॉलर्स हो गए, अभी भी पेक्का जिंदा है, क्वीन जिंदा है विथ एबिलिटी, किंग जिंदा है एंड यार 2 फ्री स्पेल भी। एंड यार ये देखो, मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था भाई, लेवल 3 का बैट स्पेल, 5 बैट स्पेल्स लिए थे हमने एंड बैट कुछ भी नहीं है भाई, कुछ काउंट नहीं इनका, इसीलिए ये वाली अटैक स्ट्रेटजी भाई मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। खैर छोड़ो, इसी के साथ ये वाला बेस 3 स्टार हो गया। अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक ज़रूर से करना, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड मैं वीडियो बंद इसलिए कर रहा हूं बिकॉज बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, याद से सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय 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 बाय।